जय गुरुदेव। भगवान की अनंत कृपा से उनके सतत औदार्य के कारण संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण विश्व अलौकिक आनंद और उत्साह में रहती है। संपूर्ण विश्व में एक अलौकिक दिव्य आभा का विस्तार होता रहता है। भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन परंपरा, यह धर्म प्रधान है। हमारी प्रत्येक क्रिया धर्म आधारित है, हमारी जीवनचर्या धार्मिक है। संपूर्ण पश्चिम के राष्ट्र जहां व्यावसायिक प्रवृत्तियों के कारण मेलजोल करते हैं, वहां हम आत्मिक, धार्मिक और आत्यंतिक निकटता का अनुभव करते हैं। ये दो संस्कृतियों का एक ऐसा मिलन है जहां त्याग का मिलन भारतवर्ष में होता है, वहीं पाश्चात्य संस्कृति भोगवादी है। हम इन विभिन्न संस्कृतियों में भी ज्ञान के प्रसार से दिव्यता का अनुभव करें। भारतीय संस्कृति इसलिए भी महनीय है कि हम त्यागवादी हैं, हम उदारवादी हैं। दो तरह का जीवन होता है। एक जीवन ऐसा है जिसमें हम आधी ग्रस्त होते हैं और एक जीवन ऐसा होता है जिसमें हम व्याधि ग्रस्त होते हैं। आधी अर्थात मानसिक बीमारी और व्याधि अर्थात शारीरिक बीमारी। बहुधा शारीरिक बीमारियां मानसिक बीमारी की उपज होती है। भारतवर्ष की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कर्म धार्मिक होता है। यहां अध्यापन करना भी धर्म है। यहां अध्यापन करने के बाद उस अध्ययन का प्रसार करना भी धर्म है। जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो धार्मिक अनुष्ठान पूर्वक करता है। अगर वैद्य चिकित्सा कर रहा है तो वो व्यापार व्यवसाय के लिए नहीं कर रहा है, वो धर्म का निर्वाह करने के लिए वैद्यक कर्म कर रहा है। तो बहुधा लोग शारीरिक बीमारियों के प्रति संज्ञान में रहते हैं, लेकिन मानसिक बीमारियां जो अंतर्निहित होती हैं उनको ही दूर करने के लिए भारतीय संस्कृति, हमारी परंपराओं में विभिन्न त्योहारों, धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों का आकल्पन किया जाता है। इस दैवीय विधान चक्र में आज हम लोग संकष्टी चतुर्थी के बारे में चिंतन करेंगे, क्योंकि ये उत्सव, ये व्रत उपवास, ये त्योहार हमारा परिमार्जन करते हैं, अंदर और बाहर से हमें परिशुद्ध करते हैं, हमारी चित्त चेतना में जागृति लाते हैं, एक दिव्यता, एक अनंत सौष्ठव का निर्माण करते हैं। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश जी से संबंधित है। भगवान गणपति, गजानन, गणेश जी, लंबोदर, वे सर्व समर्थ सत्ता हैं और उनका स्मरण करके ही हम लोग संकष्टी चतुर्थी की इस पावन कथा का श्रवण करेंगे। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जंबु फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणेश जी जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ के प्रदायक हैं, मां भगवती और पार्वती, मां भगवती पार्वती और शिव शंकर जी के सुपुत्र हैं, ऐसे विनायक गणाध्यक्ष गजानन जो सर्व पूज्य हैं, ये सबका मंगल करते हैं। जैसा कि नाम से विदित है, यह संकट हरण चतुर्थी है, संकष्टी चतुर्थी है, अर्थात जीवन पर जब कोई संकट आता है तो इस व्रत को करने से वह संकट दूर हो जाता है। इस संकट के संदर्भ का पौराणिक संदर्भों के माध्यम से यह बात प्रकट होती है कि जब नारायण श्रीहरि
श्री विष्णु का विवाह माँ भगवती लक्ष्मी जी के साथ हो रहा था और उसकी तैयारियां चल रही थी, चारों ओर निमंत्रण पत्र भेजे गए थे। तब उन निमंत्रण पत्रों में सभी संसार के देवताओं का जहां स्मरण किया गया, वहीं पर भगवान नारायण की ओर से शिव शंकर जी के पास पत्रिका भेजी गई और गणेश जी को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया, उनका नाम उसमें नहीं लिखा गया। भारतीय परंपरा में जब घर का कोई मुखिया होता है तो उसके नाम ही पत्र जाता है, अन्य सभी लोग उसमें सम्मिलित माने जाते हैं। यह विचार करके भगवान श्री हरि ने भोलेनाथ जी के पास पत्रिका भेज दी थी, लेकिन गणपति गजानन के पास अलग से कोई पत्रिका नहीं गई थी। लेकिन वे तो सहज हैं, सरल हैं, उदार हैं और भारतीय संस्कृति में माता पिता और गुरु इनका तो समादर होता ही है और पिता के मान में ही पुत्र का मान होता है। जब सभी लोग बारात में आ गए, बारात सज गई, सब सपरिवार आए थे, सारे देवता तैयार होकर उत्सव की वेला में आनंद पूर्वक जब उल्लसित भाव से थे तो सब लोगों ने देखा कि सभी लोग हैं लेकिन गणेश जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सभी देवताओं ने आपस में कानाफूसी की, अरे कहाँ हैं, क्या बुलाया नहीं गया है, क्या वे बहुत भोजन करते हैं इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया है। सभी ने नारायण से जाकर परामर्श किया कि क्या आपने उन्हें नहीं बुलाया था। तब श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि मैंने तो नियमानुसार भोलेनाथ जी को पत्रिका दी थी और उसमें सारा कुटुंब परिकर सभी शामिल हैं, सभी लोगों का स्वागत है। देवताओं में कुछ देवता ऐसे भी थे जो हास परिहास कर रहे थे, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, नहीं आए यह भी ठीक है, क्योंकि उनके आने पर हमें सवा मन चावल समा मन मिष्ठान्न का भोग लगाना पड़ता, रोज वे इतना ग्रहण कर लेते, अब अतिथि को कोई कितना सत्कार कराएगा, कैसे रोज रोज इतना भोजन कराएगा, यह सब लोग हास परिहास में कह रहे थे। इतने में गणेश जी आ गए। गणेश जी आए तो उन देवताओं ने कहा कि आप आ गए बहुत उत्तम हुआ, लेकिन आप बारात में चलकर क्यों अनावश्यक श्रम का अनुभव करेंगे, यहीं भगवान श्रीहरि के द्वार पर आप सुरक्षा दें, आप यहां की व्यवस्था देखें, हम सब तो बारात में जा रहे हैं लेकिन आप यहीं रह करके घर की देखरेख करें। श्रीहरि ने भी सहमति दे दी और गणेश जी वहीं रुक गए, बारात चल दी। इतने में नारद जी ने देखा कि गणेश जी नहीं चल रहे हैं और वे श्रीहरि के द्वार पर ही बैठे हुए हैं। उन्होंने जाकर गणेश जी से कहा आप नहीं चल रहे हैं, और उनके मन में गणेश जी के मन के भाव उकेरने का कुछ संकल्प था। गणेश जी ने कहा मेरा तो ये अपमान हुआ, मैं बारात में जाना चाहता था लेकिन मुझे यहां घर की रखवाली के लिए छोड़ दिया है। तब नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को क्यों नहीं आदेश देते, वो बारात के आगे जा करके जो मार्ग है उसको नीचे से खोखला कर दे, जब रास्ता पोपला हो जाएगा तब उससे रथ निकलेंगे और रथ गिर जाएंगे, बारात आगे ही नहीं जाएगी, फिर सब आपको ही तो बुलाएंगे। गणेश जी के भी मन में क्या सूझा, उन्होंने अपनी मूषक सेना को संकेत कर दिया, बस ऐसा ही हुआ, रास्ता अंदर से नीचे से खोखला कर दिया गया। विष्णु जी की बारात आगे बढ़ी ही थी कि उनके रथ सारे जमीन पर धंसने लगे, रथ के पहिए टूटने लगे। जब ऐसा सब हुआ तब नारद जी ने वहां पहुंचकर कहा कि प्रथम पूज्य गणाध्यक्ष गजानन गणेश जी को आप लोगों ने नहीं लिया साथ में, इसी कारण यह विघ्न आया। तब सभी देवताओं ने यह बात स्वीकारी,
भोलेनाथ जी ने अपने नंदीश्वर को कहा कि जाइए और गणेश जी को लाइए। नंदीश्वर आए, गणेश जी नंदीश्वर पर बैठ करके उस स्थान पर पहुंचे। सभी देवताओं ने उनका आवाहन, पूजन और विविध प्रकार से उनको प्रसन्न किया, उनको विभिन्न उपहार दिए और प्रणाम करके फिर बारात को आगे चलने की बात कही। रास्ता तो टूट गया था, रथ के पहिए भी टूट गए थे, लेकिन सभी लोगों ने रथ तो बाहर निकाला। खेत में एक काम करने वाले व्यक्ति जो रथ के पहिए सुधारता था उसको बुलाया गया। वो भगवान गणेश जी का प्रणाम, स्तवन, पूजन करने के उपरांत आया और देखते ही देखते बहुत जल्दी ही सारे रथ के पहिए उसने तैयार कर दिए और उसने देवताओं से कहा कि अगर आप लोगों ने प्रथमतः पूज्य भगवान गणेश जी की अर्चना की होती, उनकी पूजा वंदना की होती, तो आपके इस शुभ कार्य में विघ्न नहीं आता। इस प्रकार बारात आगे बढ़ी, सभी लोग गए और भगवान नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह संपन्न हुआ। इस कथा का श्रवण करने मात्र से जीवन में आने वाले विघ्न दूर हो जाते हैं, सर्वविध मंगल होता है, भगवत कृपा प्राप्त होती है, जीवन आनंद पूर्ण रहता है। संकष्टि चतुर्थी की यह पावन पुनीत कथा जो सुनता है, जो सुनाता है और जो इसके लिए प्रेरित करता है, जो व्रत पूर्वक चतुर्थी के दिन इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में सर्वविध मंगल होता है, उसका कल्याण होता है। और इस कथा को श्रवण करने से न कि सिर्फ लोक कल्याण होता है अपितु विश्व शांति होती है। जितनी विपदाएं हैं उनका शमन होता है, रोगों का नाश होता है, क्लेश दूर हो जाते हैं, चित्त शांत रहता है, मन प्रमुदित रहता है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी के वैश्विक अनंत विस्तार, वैदिक वांग्मय के विस्तार और वेद के अनंत प्रसार के क्रम में भारतीय संस्कृति और परंपराओं की ये दिव्य पोषक कथाएं ब्रह्मचारी वेद विद्या मार्तंड डॉक्टर गिरीश जी के सदुद्यम से संपूर्ण विश्व में लोक कल्याण के भाव से सभी के लिए निवेदित की जा रही है। आप सबका सर्वविध मंगल हो, अभ्युदय हो। इन्हीं सद्भावपूर्ण भावनाओं के साथ जय गुरुदेव, जय महर्षि।